हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी सैंडविच। फ्रेंड्स, अगर आप वेट लॉस करना चाहती हैं तो आप इस सैंडविच को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और ये थोड़ी सी चटपटी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और ये मैंने यहाँ पर 2 बॉइल्ड आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने इस तरह से मैश कर लिया है। ये इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये एक बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च लिया है। ये मैं यहाँ पर थोड़ा हेल्दी बना रही हूँ और वेट लॉस के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सब्जियाँ डालूंगी इसमें। और ये मैंने यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। और एक बारीक कटी हुई मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से ग्रेट की हुई गाजर ले ली है, ये इसमें डाल देते हैं। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं, बट इससे सैंडविच बहुत हेल्दी बनेगी। और वेट लॉस के लिए बना रही है तो आप इसको डेफिनेटली डालें। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, ये इसमें डाल देते हैं। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हम यहाँ पर धनिया की पत्तियाँ डाल देते हैं। सब्जियाँ आपके पास जो भी अवेलेबल हैं वो आप डाल सकती हैं। और 1/3 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1/3 चम्मच चाट मसाला, इससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आता है इसमें। और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम इसमें मिला देते हैं। फ्रेंड्स, आपके पास और भी सब्जियां अवेलेबल हैं तो आप वो भी डाल सकती हैं, जैसे कि मटर डाल सकती हैं, पत्ता गोभी डाल सकती हैं, जो आप सब्जियां इसमें डालना चाहती हैं वो आप डाल दें। तो मैंने स्टफिंग बना ली है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये 3 ब्राउन ब्रेड ले लिए हैं। फ्रेंड्स, ये ब्रेड बहुत हेल्दी होते हैं। अगर आप वेट लॉस के लिए बना रही हैं तो आप इन ब्रेडों को ज़रूर खाएं। फ्रेंड्स, इससे बहुत ही अच्छा, ये बहुत हेल्दी होते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह वाइट ब्रेड भी ले सकती हैं, बट ये हेल्दी होते हैं। और मैं वेट लॉस के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे यहाँ पर मेरे पास ये ग्रीन चटनी है, इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ। फ्रेंड्स, ये बहुत ही चटपटी है ये चटनी, और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर क्लिक करके देख सकती हैं, बहुत ही इजली बन जाती है। और फ्रेंड्स, इससे सैंडविच में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। आप एक बार ज़रूर बना के देखें, बहुत ही अच्छी सैंडविच बनेंगी आपकी। तो इस तरह से मैंने 3 ब्रेडों पर इस तरह से चटनी को फैला लिया है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर वेट लॉस के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बटर नहीं लगाया है। अगर आप वेट लॉस के लिए नहीं बना रही हैं तो आप पहले बटर लगा लें, उसके बाद हरी चटनी को इस पर स्प्रेड करें। तो उसके बाद हम इस तरह से आलू मसाला लगा देंगे और एक सैंडविच को हम इस तरह से ब्रेड को उठा के हम इस पर लगा देते हैं इस तरह से। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 3 लेयर्स में बना रही हूँ। आप चाहें तो 2 ब्रेड से भी बना सकती हैं, बट इससे क्या होता है कि देखने में थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो इस जो ब्रेड हमने दूसरे में लगाए हैं उसको हम इस तरह से इस पर लगा देते हैं। और ये हमारी एक सैंडविच सिकने के लिए तैयार हो गई है, तो इसको हम साइड से रख देते हैं। इसी तरह से मैं आपको एक सैंडविच और बना के दिखाती हूँ। तो इसी तरह से हम सेम प्रोसेस से इस पर भी ग्रीन चटनी लगा देंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप वेट लॉस के लिए नहीं बना रही हैं तो आप इस पर पहले बटर लगा लें। तो इस तरह से मैंने आलू मसाला को भी फैला लिया है इस तरह से। अब हम इसमें ये अपनी सैंड ब्रेड को इस तरह से रख देते हैं और जो हमने इस पर चटनी लगाई उसको हम इस तरह से नीचे की साइड में करके इस तरह से लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 सैंडविच को इस तरह से बना लिया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ, इनको सेक लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गैस ऑन करके एक तवा रख दिया है, इस पर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। घी की जगह आप इसमें बटर भी लगा सकती हैं। तो अब हम इसमें अपनी ये सैंडविच लगा देते हैं। अगर आपके पास कोई कुकिंग ऑयल है तो आप वो भी लगा सकती हैं। अगर आपके पास घी नहीं है, बटर नहीं है, तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें ले सकती हैं। बट फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर वेट लॉस के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर घी ले रही हूँ, क्योंकि वेट लॉस के लिए घी थोड़ा सही होता है। बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बट 1 चम्मच तो खाना ही चाहिए। तो इस तरह से अब हम इसको कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए सिकने देते हैं। और 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसको नीचे से पलट देते हैं। तो ये देखिए, वाह, कितनी एकदम क्रंची सी लग रही है, बहुत ही क्रिस्पी सी सिक गई है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इसको सेक लेते हैं। तो ये देखिए, दूसरी साइड से भी अच्छा सा इसका कलर आ गया है, यानी कि सैंडविच हमारी सिक गई है। तो अब हम इसको निकाल देते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरी सैंडविच भी सेक लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है इस पर, और सैंडविच को अपनी को रख देते हैं इस पर, और थोड़ा सा घी हम ऊपर से भी लगा देते हैं। और इसको भी हम कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए सिकने देते हैं। और ये सैंडविच भी फ्रेंड्स हमारी दोनों साइड से अच्छे से सिक गई है। ये देखिए, दोनों साइड से कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है। तो अभी हम इस तरह से सैंडविच को भी निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक सैंडविच को कट करके दिखाती हूँ
देखिए इसका कितना अच्छा सा इस अंदर से इसका टेक्सचर आया है, ये देखिए वाह। 3 लेयर्स में फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी लगती है, आप एक बार तरह से ज़रूर बना के देखें, बहुत ही हेल्दी है, तो आप इसको ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों पड़ोस सभी को दें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।